बागोड़ा थाना क्षेत्र के धुमबड़िया गांव में पिछले दिनों पोस्टमैन जीतू सिंह राव के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का खुलासा 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है, जिसके चलते पुलिस ने ग्रामीणों से 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि शनिवार सुबह करीब 8 बजे से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और बागोड़ा धुमबड़िया मुख्य सड़क मार्ग बंद कर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीण आज सुबह से ही सड़क पर जुटने शुरू हो गए। वही समस्त ग्रामवासी और व्यापार मंडल ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन की तैयारियां कर ली है। वही डिप्टी हुक्माराम बिश्नोई मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि इस पूरी घटना की जांच जारी है, हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेज दी गई है, जांच के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आमजन पुलिस का सहयोग करे। डिप्टी के समझाइश के बाद 12 बजे व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले। इस दौरान मौके पर सायला थाना अधिकारी राण सिंह सोढ़ा, भीनमाल उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह कछवाहा, बागोड़ा एएसआई बगड़ू राम में पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है पुलिस, जो मुखिया होता है हमारे एसपी साहब, वो सब यहाँ पर आके और जिले की जो टीम, हमारे गुरु राम सिंह जी, भवानी सिंह जी, सारे एसओजी।